हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडिफरेंस कर्व। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विदाउट एनी डिले। फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। दैट इज, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इट मीन्स दैट वेरियस अमाउंट ऑफ टू गुड्स और दोज गुड्स विल गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मीन्स मतलब वो दो या दो से ज़्यादा गुड्स जो मतलब सेम सेटिस्फैक्शन देते कंज्यूमर्स को। फॉर एग्जाम्पल लाइक टी एंड कॉफ़ी, मीन्स दे आर सब्सटीट्यूट। मतलब इफ प्राइसेस ऑफ टी आर इंक्रीज एंड कंज्यूमर कैन सब्सटीट्यूट टू कॉफ़ी, मीन उन लोग का सेटिस्फैक्शन इसमें चेंज नहीं होगा अगर वो सब्सटीट्यूट कर लेंगे। मतलब ऑलमोस्ट सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो इसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें है, हम लोग करते हैं अजम्पशंस को, जिसकी अजम्पशंस और यू कैन से इट्स फीचर्स। मतलब किस ये किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, मतलब कैसे चीज़ों से ये इंडिफरेंस कब डिराइव होता है, मीन्स डिपेंड करता है। तो फर्स्ट असम्पशन इज और कैरेक्टरिस्टिक इज रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मीन्स जिसमें कंज्यूमर है उसमें कंज्यूमर को इसमें रैशनल बोला गया है। क्योंकि जो कंज्यूमर वो खुद अपने यूटिलिटी को उसमें मैक्सिमाइज करते हैं। मतलब वो पहले देखते हैं उसे किस इंडिफरेंस कर्व पे कितना सेटिस्फैक्शन, मतलब एवरी कंज्यूमर, हर कंज्यूमर चाहता है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी से कंजप्शन सेटिस्फैक्शन मिले। तो वो हाईएस्ट पॉइंट देखता है इंडिफरेंस कर्व पे कि उसे कहाँ मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो इंडिफरेंस कर्व का जो असम्पशन है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस करता है। मीन्स ये अकॉर्डिंग टू रैंक मेजर करता है यूटिलिटी को, मीन्स इन ए क्वालिटेटिव वे। जो दो टाइप्स की यूटिलिटी होती है, एक कार्डिनल यूटिलिटी एक ऑर्डिनल यूटिलिटी। जो कार्डिनल यूटिलिटी होती है वो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिक टर्म्स इन क्वान्टिटेटिव फॉर्म में मेजर करती है, बट वो प्रैक्टिकली इतना करेक्ट नहीं है। क्योंकि आप कैसे किसी कमोडिटी अपने किसी सेटिस्फैक्शन को अपना न्यूमेरिक फॉर्म में मेजर कर सकते हो? आपने अगर एक 1 कप ऑफ कॉफ़ी को पिया है तो आप उसको कैसे न्यूमेरिकली बताओगे कि आपको कितना नंबर्स में सेटिस्फैक्शन मिला? तो वो प्रैक्टिकली सही नहीं हुआ ना। लेकिन हाँ, आप उसको आप रैंक के फॉर्म में कर सकते हो। मीन्स आप अगर आप 2 कप ऑफ कॉफ़ी पियोगे, 2 कप ऑफ कॉफ़ी कंज्यूम करोगे तो आप रैंक कर सकते हो कि फर्स्ट कप से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला था, सेकेंड कप से कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इंडिफरेंस कप ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस करता है, जो कि रैंक करती है कमोडिटी को, ना कि नंबर्स में उसको करती है। थर्ड इज नॉन सैटिएटी। नॉन सैटिएटी मीन्स मतलब जो कंज्यूमर्स के पास जितने भी उसके वो गुड्स परचेज कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है, उसके पास कभी भी ओवर सप्लाई नहीं होगा। मतलब उसे वो हमेशा वो चाहेगा कंज्यूमर कि उसके पास लार्ज से लार्ज स्टॉक हो गुड्स का। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस मीन्स कंज्यूमर जो होते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं। मीन्स मतलब वो एक ही कमोडिटी पे ट्रांजिटिव रहता है, कि मतलब अगर वो ये कमोडिटी परचेज करता है तो वो वही करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर प्रेफर ए टू बी कमोडिटी में ए टू बी प्रेफर कर रहा है कमोडिटी को, और बी टू सी में बी को कर रहा है, अगर ए टू सी में करेगा तो वो ए को ही करेगा। क्योंकि ए टू बी में ए ग्रेटर है, बी टू सी में बी ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली ए टू सी में ए ही ग्रेटर होगी, तो वो ए को प्रेफर करेगा। एंड लास्ट वन अजम्पशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न टू रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मीन्स यहाँ पे कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कमोडिटी को विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम लोग देखते हैं इसका कर्व कैसा होता है। इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, बिकॉज एक कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए ये कंज्यूमर दूसरी कमोडिटी के कंजप्शन को कम कर देता है, तभी उसे इक्वल प्रोपोर्शन इक्वल वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था लॉ ऑफ इक्वेशन मार्जिनल यूटिलिटी में, कि वो एक्स की ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था और वाई की कम कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक्स की कंज्यूम नहीं कर रहा था या सिर्फ वाई की नहीं कर रहा था, मतलब कर दोनों की रहा था, लेकिन एक्स की ज़्यादा कर रहा था वाई की कम कर रहा था। फिर वैसे सेम इसमें वो एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को उसे कम करना ही पड़ता है। यू कैन सी इन दिस टेबल कॉम्बिनेशन ए बी एंड सी डी ऑफ डिफरेंट गुड्स फूड वन अदर कॉम्बिनेशन है यूनिट्स। वो इफ ए कॉम्बिनेशन में
1 यूनिट फूड की कंज्यूम करते हैं और 10 यूनिट सॉरी इट शुड बी क्लोथिंग नॉट यूनिट्स। तो वो 10 यूनिट्स कंज्यूमर क्लोथिंग के कंज्यूम करता, लेकिन उसने 1 यूनिट अपने फूड की जब बढ़ाई तो उसने 3 यूनिट्स गिव अप करी, सेक्रीफाइस करी क्लोथिंग में। फिर उसने 1 यूनिट बढ़ाई और क्लोथिंग में 2 यूनिट सेक्रीफाइस करी। वो जैसे जैसे 1 यूनिट फूड में इंक्रीज कर रहा वैसे उसकी एक थोड़ा थोड़ा उसका यहाँ से क्लोथिंग से दूसरे कॉम्बिनेशन से डिक्रीज हो रहा है। तो जिस रेट पे डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एज यू कैन सी इट इज़ अ रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट कमोडिटी विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मीन्स वो सब्स्टिट्यूट भी कर रहा है, उसका सेटिस्फैक्शन भी मीन्स उससे उतना ही मिल रहा है जितना से पहले से कंज्यूम करने पर मिल रहा था। एंड दैट्स व्हाई इट्स कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो आई होप आपको इतना ये क्लियर हुआ हो मीनिंग एंड इट्स अजम्पशंस। रेस्ट ऑफ योर टॉपिक्स इसकी प्रॉपर्टीज एंड बजट लाइन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वी विल डू इन नेक्स्ट पार्ट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। So if you find this video useful, please like, share, subscribe to my channel. Thank you for watching this.